माइंडफुलनेस की सीरीज में जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है उसका आज हमारा पहला लेक्चर होगा। लास्ट में डिफरेंशिएबिलिटी जो था हमारा इंट्रोडक्शन में आपको मैंने भी बता दिया था कि हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना है। आई होप आपने वो अच्छे से देख लिया होगा ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि हाँ इस चैप्टर में चलने क्या वाला है। लास्ट में मैंने आपको ये भी बात बोली थी, लास्ट वाला जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन, कि आपको सबसे पहले जो दो टॉपिक पढ़े हमने इसके पहले डिफरेंशिएबिलिटी के, अभी जो स्टार्ट करने से पहले अभी जो जस्ट हमने रिसेंट जो टॉपिक पढ़े लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी, इन दो टॉपिक्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है, उसको बाद ही आपको ये जो चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी इसको देखना है। नहीं तो अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो, डायरेक्ट ही देख रहे हो, तो फिर दिक्कत जाएगी ना आपको, फिर टफ लगेगा, धीरे धीरे समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी ना, काफ़ी दिक्कत आएगी। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, है ना कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है ना, उस कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले कि डिफरेंशिएबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है ना, मीनिंग क्या है। जैसे मैंने आपको जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था वो हमारा था कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी में थोड़ा फील आता था, कंटिन्यूटी मतलब क्या, नो ब्रेक, कंटिन्यूअस, नाम से पता चलता था कि कंटिन्यूअस नो ब्रेक, तो फील आता था कि हाँ क्या मतलब है, है ना। लिमिट्स का मतलब भी मैंने आपको कुछ हद तक फील कराने की पूरी कोशिश की थी कि मतलब किसी पॉइंट के आसपास बिहेवियर बताना, है ना, मतलब जो बिहेवियर बताना किसी पॉइंट के आसपास क्या वैल्यू दे रहा है, क्या वैल्यू वेरी कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता था, लिमिट्स। सर ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है सर, जो आपने लिखा है डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है सर, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है डिफरेंशिएबिलिटी का जो मतलब है वो है यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप। क्या मतलब है डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप एट एक्स इक्वल्स टू ए। किसी भी पॉइंट्स पर, अब हम ऑन द कर्व है ना, जो भी है कर्व के ऊपर, सर ये तो पता नहीं क्या लिख रखा सर, समझाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको 5-10 मिनट पेशेंस रखना है, सब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, मैं आपको आज टर्म को फील करा दूंगा, है ना, मेरा मोटो यही है आज, मैं आज कोई क्वेश्चंस नहीं करूंगा, मैं आपको आज फील करा दूंगा कि टर्म्स का मतलब क्या है, फिर हम कल धीरे धीरे काम आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। तो हेडिंग का लिखे यहां पर यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप, है ना, विथ फाइनाइट स्लोप ऑन द कर्व, है ना, ऑन द कर्व या कोई सा फंक्शन है ना, मतलब अगर आप किसी फंक्शन पे, फंक्शंस के किसी पॉइंट पर, जैसे मान लो कोई सा फंक्शन ये आ गया, कोई सा फंक्शन ये आ गया, तो इसके किसी पॉइंट्स पर आप अगर क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, उस टेंजेंट का जो स्लोप होना चाहिए, इस टेंजेंट का जो स्लोप होना चाहिए, ये जो स्लोप होना चाहिए टेन थीटा, वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अगर ऐसा आएगा तो हम फंक्शंस को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल। हाँ सर थोड़ा बहुत आपने बताया सर, पर ठीक है, मतलब फील नहीं आया सर, मुझे पता है, मुझे खुद को फील नहीं आया ना, मुझे जब फील आ जाएगा कि हाँ मैंने सही पूरा करा दिया, तो फिर आपको भी फील आ जाएगा ना। तो अभी केवल सुन के रखो, कान में बात डाल के रखो कि कुछ सर ने बोला डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होगा, यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप। एक हल्का सा मैंने आपको मतलब कल बता दिया था कि डिफरेंशिएशन करने की जो एबिलिटी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब हम ये बच्चे चेक करेंगे कि कहां कहां डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कहां कहां डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे, चेक करेंगे कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पूरे चैप्टर में हम यही काम करेंगे, किसी पॉइंट पर, किसी इंटरवल में, जैसे हमने कंटिन्यूटी फाइंड किया था, कंटिन्यूटी एट पॉइंट, कंटिन्यूटी एट इंटरवल, सिमिलरली यहां भी कुछ लगभग वैसा ही मामला चलेगा। पर सर आपने तो बोला सर कहां कहां डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आपने डिफरेंशिएशन का तो नामो निशान नहीं लिया, आपने तो बोला यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप, मैंने आपको यहां लिखा है ना स्लोप, 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 आपने सुना था फिजिक्स में, देखा है स्लोप, टेन थीटा इक्वल्स टू डीवाई बाई डीएक्स को सुना है क्या, यस, इसे रिलेटेड है, जस्ट सुन के रखना, धीरे धीरे आपको सब फील आ जाएगा ना। तो जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या, यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप है ना, बस इतना मतलब है ना। एक और मतलब है, ये हमारा मीनिंग कहलाता है ज्योमेट्रिकली मीनिंग, फिजिकली मीनिंग है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आप लिखते हेडिंग, डिफरेंशिएबिलिटी के दो मीनिंग है,
फर्स्ट मीनिंग क्या हमारा ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है, यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप, और दूसरा जो मतलब है फिजिकली मीनिंग क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सर ये क्या आ गया, आपने ऐसा पढ़ा होगा ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो इंस्टेंटेनियस चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या कहलाता है, एक्सेलेरेशन, डीवी बाई डीटी। अरे आपने पढ़ा होगा ना, है ना, वो जस्ट वो फिजिकली मीनिंग पे इतना नहीं दूंगा मैं मेरा मोटो है मैथमेटिकली उसको समझाना, है ना, समझाना, ठीक है सर। तो आज सर आपने अभी तक लिखा डिफरेंशिएबिलिटी और उसका मतलब लिख दिया यूनिक टेंजेंट विद फाइनाइट स्लोप, वो यही पूरी चैप्टर की कथा होगी, ठीक है, अब समझते हैं ना। तो इसमें दो तीन बातें आ रही है, एक तो मतलब आ रहा है स्लोप, है ना, स्लोप, और एक मतलब आ रहा है टेंजेंट। यूनिक का मतलब आप जानते हो, यूनिक मतलब सिंगल, है ना, फाइनाइट का मतलब हम वही फाइनाइट सुनते सुनते आ रहे हैं, लिमिट्स में मतलब पता है, फाइनाइट मतलब क्या शुद्ध है ना, फाइनाइट, है ना। स्लोप और टेंजेंट दो नए टर्म्स हैं, टेंजेंट और स्लोप। तो अब हम किस पे काम करने वाले हैं, दो टर्म्स पे काम करने वाले हैं कि टेंजेंट का मतलब क्या है और स्लोप का मतलब क्या है, उस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, टेंजेंट और स्लोप, है ना। तो टर्म्स अभी फ्री फील आएगा भाई यार, एकदम से कोई मैं तांत्रिक थोड़ ना हूं क्या कि आपको लेक्चर चालू किया और एक मिनट के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी पूरा समझ में आ गया, नहीं भैया, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा तब काम हो जाएगा, है ना, पेशेंस रखो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, गारंटी इस बात की ना। तो मैंने आपको एक लिखी टेंजेंट, है ना, टेंजेंट, और एक टर्म किस पे काम करना है, स्लोप पे, ना, स्लोप पे। आई होप स्लोप आपको पता होगा ना कि कोई सी भी लाइन एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, ये हमारा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन या इंक्लिनेशन, और इसका जो टेन होता है, इसके लिए जब टेन अप्लाई कर देते हैं, यही क्या हमारा कहलाता है, स्लोप, है ना। मतलब कोई सी भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उसका जब टेन ले लेंगे तो वो क्या कहलाता है, स्लोप। इतना आपको पता होगा ना, इतना पता होगा, है ना। मेन मुद्दा है टेंजेंट। सर हमें तो टेंजेंट भी पता है, सर हमने तो 10th क्लास में टेंजेंट भी पढ़ रखा है, इनफैक्ट सर हमने 11th क्लास में सर्कल में, पैराबोला में, हाइपरबोला में, इलिप्स में, सब में टेंजेंट पढ़ रखा है सर। हाँ सर सुन तो रखा है सर। हाँ वो सुन रखा होगा ना, सुन रखा होगा सर। हमें तो ऐसा पता है कि अगर कोई सी लाइन कोई किसी कर्व को टच करके जाए तो वो टेंजेंट कहलाती है। यस आपने सुन रखा है, पर आपने बहुत अधूरा सुन रखा है ना, अधूरा सुन रखा है। तो टेंजेंट से भी आप कहीं ना कहीं फेमिलियर हो, क्योंकि टेंजेंट का मतलब टेन थीटा ही होता है। टेंजेंट मतलब क्या होता है, टेन थीटा ही होता है। जैसे कॉस को कोसाइन बोलते हैं ना, टेंजेंट को क्या बोलते हैं, टेन, है ना, उसका सब नाम है, ठीक है। खैर अच्छा, तो टेंजेंट का मतलब क्या, ना टेंजेंट का मतलब क्या है, ना टेंजेंट का मतलब क्या, सुनना है ना, सुनना। टेंजेंट को आपको मैं पहले आपको क्या समझाने जा रहा हूं, डिफरेंशिएबिलिटी तो गया अलग, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब मैंने आपको बस जस्ट लिखा दिया है, समझाया नहीं है। मैं पहले किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, मेरा मोटो है पहले आपको क्या समझाना, टेंजेंट को फील करा, टेंजेंट। मान लो कोई सा एक कर्व है, बोलो सही है, ये कोई सा एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है फिक्स। मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आपका माइंड सेट है ना पूरा क्लियर है ना, मैं आपको टेंजेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टेंजेंट का मतलब क्या, मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, टेंजेंट का मतलब क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने कर्व बनाया, सबसे पहले मैंने क्या काम किया, कर्व बनाया, फिर मैंने एक पॉइंट लिया ए, जिसका क्या जे जो पॉइंट कैसा है, फिक्स है, है ना, क्योंकि मुझे ए पर टेंजेंट बनानी है, ए पर टेंजेंट बनानी है, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनानी है उसे मैं फिक्स कर दूंगा, है ना। एक और पॉइंट लिया सपोज बी, और बी फिक्स नहीं है, बी मूवेबल पॉइंट है, बी कैसा पॉइंट है बच्चों, मूवेबल पॉइंट है, और कहां मूव कर रहा है, ऑन द कर्व। मतलब बी कहां मूव कर रहा है, बी आराम से घूम रहा है, पर कहां घूम रहा है, कर्व के ऊपर घूम रहा है, बी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता है। सर ये कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व का मतलब क्या होता है, है ना सर। आपने मूवेबल का मतलब तो मूव करना, ऑन द कर्व मतलब ये कर्व के ऊपर मूव करना, कर्व का मतलब में ये होगा कि जब आप पेन से पेपर पे कुछ भी बना दोगे तो ये आपका कर्व कहलाता है, क्या कहलाता है, कर्व। कैसा भी फोटो बना दो, कैसा भी फोटो बना दो, वो आपका क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है ना, कर्व कहलाता है। कि इतना डीप में ही जाएंगे, है ना, है ना, ठीक है। क्या पढ़ा रहा हूं बोलो, टेंजेंट। पूरी पेन कॉपी आज बंद कर दो, बस आराम से दो कि क्या चिल्ला रहे सर, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, टेंजेंट फील कर रहा हूं। आज की क्लास अगर फील कर लेना तो कल तो बिल्कुल यू यू, बस कल तो कैलकुलेशन ही है फिर जीवन में,
टेंजेंट है ना, टेंजेंट। तो टेंजेंट मिलने के लिए मैंने क्या लिया, कर्व लिया, एक पॉइंट ए लिया, क्यों लिया, फिक्स लिया। फिक्स क्यों लिया, क्योंकि ए पर टेंजेंट बनानी है तो उसे क्या करेंगे, फिक्स करेंगे ना। अब मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया। आप इस लाइन को ध्यान से देखो, कोई सी भी लाइन अगर किसी भी कर्व को कट करती है दो जगह, तो उसको मार्केट में सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकेंट। ये मैं नहीं बोल रखा, नाम रख रखा है नाम। जैसे आपने पढ़ा होगा इसको कॉर्ड बोलते हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं, ये सब नाम है बच्चों। सेंटर से जब इसे ज्वाइन करते हैं इसको रेडियस बोलते हैं, ये नाम है, है ना। इस पर शक नहीं करना कि इसको यही क्यों बोलते हैं। कोई सी भी लाइन कर्व को दो जगह कट करती है तो उसको मार्केट में सीकेंट बोलते हैं। तो क्या ये दिस लाइन इज सीकेंट? यस, ये सीकेंट है क्या? यस। सर आप तो टेंजेंट पर आ रहे हो सर, टेंजेंट का मतलब बताओ सर, आप तो क्या सीकेंट बनने लग गए। आराम से ना, आराम से। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, टेंजेंट। सर टेंजेंट पढ़ाओ सर, टेंजेंट। सब्र है ना, सब्र। तो ये पॉइंट ए फिक्स है और बी मूवेबल है। अब अच्छा, ए और बी के बीच की दूरी है क्या कुछ अभी? यस yes। इस दूरी का नाम सपोज कितना रख दिया, एच। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, एच है ना, एच है। अब बी यहां पर आ गया, बी यहां पर आ गया, तो ये इन दोनों को अगेन ज्वाइन कर दिया, क्योंकि बी मूवेबल है और बी कहां मूव कर रहा है, टूवर्ड्स द ए। किसकी तरफ मूव कर रहा है, ए की तरफ। देखो बी यहां पर था, अब बी उठ के यहां आ गया, ए की तरफ जा रहा है ना। क्या ये लाइन भी सीकेंट है अभी भी? तो आपका आंसर है यस। बट अब ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ये वाली दूरी है। क्या ये दूरी पहले वाली दूरी से कम है कि ज्यादा है? तो आपका आंसर है कम है। ऑब्वियस यार, जब बी ए के करीब जाएगा तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ये भी क्या है हमारी, सीकेंट है। अब बी यहां पर आ गया, ये भी क्या है आपकी, सीकेंट है, क्योंकि दो जगह कट कर रही है। तो जब इसको थोड़ा और झूम करके देखेंगे, इसी कर्व को फिर से बना दिया, यहां पर कौन सा पॉइंट था, ए था, और बी यहां पर आ गया। तो जब बी यहां पर आ जाएगा, तो बी मतलब अब बी यहां पर आ गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये एच दूरी हो जाएगी। मतलब पहले ए और बी के बीच की दूरी ज्यादा थी, फिर कम 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 करते 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 एच इन दोनों की दूरी बहुत बहुत ही स्मॉल कर दी। तो अब जो लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगी ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट। देखो जो आपने पढ़ रखा है तो उसके हिसाब से आपको फील आ रहा है क्या? यस। ये कर्व को सिंगल एक जगह कट के जा रही है, एक जगह कट करके जा रही है। तो ये जो लाइन बनेगी जब बी ए के बहुत करीब हो जाएगा, मतलब जब ये बी ए के बहुत करीब हो के जाएगा, तो ये लाइन लगभग लगभग एक जगह, बिल्कुल ये ए है और यहीं पे बी है, तो ये लाइन क्या बन जाएगी हमारी, टेंजेंट। मतलब मैंने सीकेंट से क्या बना दिया, टेंजेंट। क्या बना दिया, टेंजेंट। तो मार्केट में टेंजेंट की डेफिनेशन होती है, टेंजेंट होता है लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज कॉल्ड टेंजेंट। मतलब सीकेंट का जो लिमिटिंग केस होगा वही क्या कहलाएगा, टेंजेंट। सर ये लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट क्यों? जब बी टेंस टू ए होगा, सुनना, जब बी टेंस टू ए होगा, मतलब बी किसके करीब होगा, B इज वेरी क्लोज टू A, मतलब H क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो। अरे जब B A के बहुत करीब होगा तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बहुत इस पॉजिटिव होगी, बहुत पॉजिटिव नंबर होगी। तो जब B A के बहुत करीब हो जाएगा, मतलब लिमिटिंग केस, B टेंस टू A, मतलब A और B बहुत लार्ज दूरी पर थे पहले, बहुत इनके बीच की कुछ डिस्टेंस थी, पर अब B अगर पास पास में आते जा रहा है तो ये जो सीकेंट थी वो एक टाइम पे क्या बन जा रही है, देखो झूम करके देखो यहां पर क्या बन के जा रही है, ये टेंजेंट बन जा रही है। मतलब जब B टेंस टू A हो जाएगा या इन दोनों के बीच की दूरी क्या कर दी, बहुत कम कर दी, तो ये क्या बन जाएगी, ये जो सीकेंट थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट इन टेंजेंट। यस, दिख तो रहा है भाई, ये जो सीकेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जा रही है। इसलिए तो मार्केट में बोला गया कि लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज कॉल्ड टेंजेंट, इज कॉल्ड टेंजेंट, है ना। ठीक है सर, आप ऐसे भी तो टेंजेंट मुंह उठा के बना देते सर। हाँ नहीं, बना देता है ना, बना देता, पर खैर ठीक है। तो टेंजेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले टेंजेंट का मतलब क्या है कि लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज कॉल्ड टेंजेंट, है ना, टेंजेंट। आया समझ में? अरे आया समझ में? तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको टेंजेंट बनाना है तो उस पॉइंट को क्या कर दो, फिक्स, और एक पॉइंट को मूव कराते 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 उस पॉइंट के बहुत करीब ले आओ। तो जब बहुत करीब लाओगे और जो लाइन बनेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, टेंजेंट, है ना, टेंजेंट। चलेगा, है ना।
ठीक है सर, तो पहले हम टेंजेंट का मतलब ही समझ रहे हैं, मिटा दे इसको। मैं आशा करता हूं कि आपको टेंजेंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट का मतलब है लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज कॉल्ड टेंजेंट, है ना, टेंजेंट। तो मैंने आपको टेंजेंट का मतलब बता दिया ना, टेंजेंट का मतलब बता दिया। यस सर। हाँ सर, तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करते आ गए ना, टेंजेंट ड्रॉ करके आ गए। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है उसको फिक्स कर देंगे और जो एक और पॉइंट लेंगे कर्व के ऊपर और मूव कराते जाएंगे, और जब वो बी और ए बहुत करीब हो जाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। यस सर, है ना। थोड़ा और इसको और अच्छे से समझते हैं कि जैसे मान लो हमारा ये ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट पर हमें क्या बनाना है, टेंजेंट। तो एक तरीका तो कैसे मुंह उठा के बना दूंगा, बट ये हमारा जेन्युइन तरीका नहीं होगा। हम क्या करेंगे, एक बी पॉइंट यहां पर लेंगे, है ना। अभी जो बी पॉइंट लिया, मुझे क्या बनाना है, ए पर टेंजेंट, है ना, टेंजेंट ऑन ए, है ना, टेंजेंट एट ए। मुझे क्या करना है, इंग्लिश में लिखो तो टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू ए, है ना, इस पॉइंट ए पर हमें टेंजेंट बनाना है ना, एट एक्स इक्वल्स टू ए पे। तो क्या क्या किया मैंने, ए के लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट लिया, उसको मूव कराते गया, फिर भी यहां पर आ गया, ये सीकेंट बनी, फिर भी यहां आ गया, ये सीकेंट बनी, और फिर बी जस्ट बहुत करीब आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, टेंजेंट। यस सर, मतलब समझ में आ गया सर यहां तक। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था इसी में, है ना, ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर मुझे ए पर टेंजेंट बनाना है, सर ऐसा भी तो हो सकता था क्या कि सर आपने बी पॉइंट इधर लिया, सर आप बी पॉइंट यहां भी ले सकते थे क्या, यस। तब भी बी को मूव करते करते किसके करीब आना है, अट्रैक्शन, है ना, आपको ए पर टेंजेंट बनाना है, तो बी दौड़ा दौड़ा चला आएगा इस रास्ते, ये सीकेंट, ये भी सीकेंट, ये भी सीकेंट, जब भी यहां बहुत करीब आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट। तो जब बी इस साइड से आएगा, चाहे वो इस साइड से आए, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी वो एक ही बनेगी, यूनिक ही बनेगी। तो अगर यूनिक बनेगी तो ही क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। देखो पीछे आपने छाप रखा होगा, रट्टा मार रखा होगा, समझाई नहीं मैंने कि अगर एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट बने विथ फाइनाइट स्लोप वो हमारी क्या कहलाती, टेंजेंट, है ना। तो जब अगर हम दोनों साइड से मूव करवाएंगे और हम टेंजेंट बनाएंगे, तो अगर सिंगल टेंजेंट बने, एक यूनिक टेंजेंट बने, जैसे इस केस में यूनिक टेंजेंट बन रही है क्योंकि स्मूथ कर्व है, देखो, समझो 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 समझो, सर नहीं आए नहीं आए नहीं आया, फिर से देख लो फिर से देख लो, रुको 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 रुको, कहीं नहीं जा रहा बच्चों, ये रहा, फिर से मैंने बना दिया। देखो मैं बहुत आराम से बताऊंगा ना, बहुत आराम से, मुझे ए पर टेंजेंट बनाना है, जब बी यहां पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, मैं पूरी नहीं बना रहा हूं ना, फिर वो खिचड़ी पक जाएगी, जब भी बी यहां पर आ जाएगा तो ये टेंजेंट बनेगी, बोलो सही है, है ना, ये पॉइंट ए था। सेम अगर बी यहां से आ जाएगा, यहां पर आएगा, तब भी तो यही लाइन बनेगी, है ना, तो यूनिक टेंजेंट बनेगी, दोनों साइड से जब मूव करवाएंगे तो वो एक ही लाइन बनेगी। क्यों बनेगी एक लाइन, क्योंकि स्मूथ कर्व है। तो सर अगर स्मूथ कर्व होगा तो हमेशा यूनिक टेंजेंट बनेगी, तो आंसर इज यस, है ना। तो टेंजेंट बनाता आ गए, टेंजेंट बनाता आ गया सर हमको, कैसे बनाएंगे टेंजेंट, जरा मन में सोचो आप, जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है उसके लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, उस पॉइंट को ऐसे पास में मूव कराते जाएंगे, और जब बी ए के बहुत करीब पहुंच जाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, टेंजेंट, है ना, बन जाएगी टेंजेंट, बोलो, है ना। चलो अब टेंजेंट बनाना है, अब दो तीन और एग्जांपल देता हूं वहां पर हम टेंजेंट बनाते हैं। जैसे ये कोई सा एक कर्व है ना, ये चिड़िया है, ये क्या हमारी चिड़िया है ना, ये चिड़िया है, क्या चिड़िया है, ये कॉर्नर है ना, चिड़िया है क्या, यस सर, क्या चिड़िया है, यस सर। मुझे इस पॉइंट ए पर टेंजेंट बनाना है, इस पॉइंट ए पर क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। तो मैंने क्या सिखाया, ए के लेफ्ट हैंड साइड में कोई सा पॉइंट बी लो, उसको मूव करवाओ, तो ये क्या है बताओ, कर्व को दो जगह कट कर रही है ना मित्रों, तो क्या है ये, सीकेंट है, फिर भी यहां पर आ जाएगा तो ये लाइन बनेगी, तो ये भी क्या होगी, सीकेंट। जब भी यहां बहुत करीब आ जाएगा, थोड़ा झूम करके बताता हूं, ये हमारा ए था, जब भी यहां आ जाएगा तो ये लाइन बन जाएगी, तो देखो ये लाइन टच करके जा रही है सी, तो ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट। अच्छा, किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल्स टू ए, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, किधर से टेंजेंट बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड से। सर इधर से भी तो बना सकते थे, हाँ मैंने अभी तो बताया था, सर भी यहां पर हो गया, ये टेंजेंट बन गई, सॉरी ये सीकेंट है, फिर भी यहां पर आ गया,
ये सीकेंट आ गए, फिर बी यहाँ पर आ गया, ऐसे करते करते जब झूम करके बनूंगा तो बी यहाँ पर आएगा, तो ये टेंजेंट बनेगी। यस, तो ये टेंजेंट है। यस, कहाँ से टेंजेंट है ये? राइट हैंड साइड से। कहाँ से? राइट हैंड साइड से, है ना। किस पॉइंट पर? एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। तो इस पॉइंट ए पर एक तो ये टेंजेंट बनी और एक तो ये टेंजेंट बनी, तो यहां तो दो टेंजेंट बन गई। किस पॉइंट पर? ए पर। यस, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट बनी, ये राइट हैंड साइड से टेंजेंट बनी, तो सर यहां तो दो टेंजेंट बन गई। यस, तो सर फिर क्या होगा? ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इस पॉइंट पर क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। बस सुन के रख लो, क्योंकि यहां पर यूनिक टेंजेंट नहीं बन रही है, मैं आपको धीरे धीरे फील करा दूंगा। तो सर यहां पर तो एक ही टेंजेंट बन रही थी क्या? यस, तो यहां पर क्या था? डिफरेंशिएबल था, मतलब स्मूथ कर्व था। तो यहां पर क्या आ रहा है? कॉर्नर आ रहा है ना, इसमें क्या आ रहा है? कॉर्नर आ रहा है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो ये टेंजेंट बनेगी, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो ये टेंजेंट बनेगी, तो दो टेंजेंट बनेगी एक सिंगल पॉइंट पे। तो हमारा, मैंने क्या बोला? यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप। बट यहां पर क्या आ रहा है? यूनिक टेंजेंट नहीं है, हेंस क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हाँ सर, थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएबल का हल्का सा मतलब आया कि यूनिक टेंजेंट बनना चाहिए उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर हम क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएबल। तो सर इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है? यस। सर इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है? यस, है ना। यस, है ना। अब आपका मन में क्या होता है, आपके मन में क्या डाउट होता है बच्चों के, कि ऐसी लाइन जो सर्कल को या कर्व को टच करके जाए वो क्या कहलाती है? टेंजेंट। आपके मन में यही है ना? अभी दूर हो जाएगा ये बीमारी, है ना, आज दूर कर देगी बीमारी, है ना। समझना है ना, समझना। आया थोड़ा वो समझ में? आया। तो यहां से एक चीज पता चल गई कि अगर कॉर्नर आ जाए तो वहां पर दो टेंजेंट बनेगी, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। देखो आपको मैं टेंजेंट बना के बताता हूँ, टेंजेंट बना के बताता हूँ, समझना है ना, समझना। वाई इक्वल्स टू सिग्नम एक्स, एक ही एग्जाम्पल करूंगा, फिर मैं आपको कल फील करूंगा कल। ये जो समझा रहा हूं ये समझ में नहीं आएगा, बट अगर समझ गए तो खेल खत्म चैप्टर का, है ना। क्या बनाना है आपको? सिग्नम एक्स। पहले सिग्नम एक्स का ग्राफ बना दिया। ये पॉइंट कौन सा है? जीरो, है ना, ए। मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, मुझे क्या करनी है? इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सर पॉइंट पर कैसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे? ये पूरा कर्व है या नहीं है बताओ? ये पूरा कर्व है या नहीं है? यस। तो कर्व के किसी भी पॉइंट पर मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूं? टेंजेंट। और मेरा टेंजेंट ड्रॉ करने का एक ही तरीका है, क्या तरीका जरा बताओ? जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाना उसको क्या कर देंगे? फिक्स। तो ए को क्या कर दिया? फिक्स। और इस ए के राइट हैंड साइड में एक पॉइंट लेंगे किस, कोई कर्व के ऊपर। तो कर्व कहां बनाओ? यहां पर बनाया। तो एक पॉइंट लिया बी, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये कौन है आपकी? सीकेंट। यस। अब बी मूव करते करते किसकी तरफ आना है? बी किसकी तरफ आएगा? ए की तरफ। अब बी यहां आ गया, तो ये भी क्या है बताओ? सीकेंट है। यस सर। अब बी यहां आ गया, ये भी क्या है आपकी? सीकेंट है। यस सर। है ना, आपको ए पर टेंजेंट बना के बता रहा हूं, है ना। ये बी यहां आ गया, ये भी सीकेंट है। यस सर। मैंने आपको क्या सिखाया? लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज कॉल्ड टेंजेंट, है ना। जब बी बहुत करीब आ जाएगा ए, ये ए पॉइंट कौन सा? एक्स इक्वल्स टू जीरो है। जब बी टेंस टू ए होगा तो ए यहां पर आ जाएगा, बी मैक्सिमम यही तो आ सकता है। तो ये जो डॉटेड करके जो मैंने लाइन बनाई है इसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूं। समझना मित्रों, जब बी वेरी वेरी क्लोज टू ए, ए कौन? एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये लाइन कौन सी आपकी? एक्स इक्वल्स टू जीरो की तो है। तो ये जो लाइन बनेगी, दिस लाइन लगभग वर्टिकली होगी, ये लाइन क्या कहलाएगी जो मैंने बनाई है डॉटेड लाइन में? दिस इज टेंजेंट। पर क्या आपको फील आ रहा है टेंजेंट है? यस, ये टेंजेंट है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट का मतलब क्या? बी टेंस टू ए, तो जो सीकेंट होगी वो क्या हो जाएगी? टेंजेंट। ये दिमाग से हटा दो कि जो छू के जाए वो टेंजेंट है। यस, वो टेंजेंट है, पर ये भी टेंजेंट है। फील नहीं आ रहा ना आपको? पर ये टेंजेंट है, क्योंकि आपको हमने कंसेप्ट क्या सिखाया? अगर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है तो उसको फिक्स कर दो। देखो और फील कराता हूं, है ना। ये बता दूं, मेरा एक बच्चा था जो अभी IIT रुड़की में पढ़ रहा है, 1000 के आसपास उसकी रैंक थी, है ना। उसको भी समझ में नहीं आया था टेंजेंट, क्योंकि उनने बच्चों ने क्या, भोले बच्चे थे, उन्होंने क्या समझ के रखा था? टेंजेंट मतलब टच करके जाना, है ना। तो उसको फील नहीं आ रहा था, है ना। मे भी आपको फील आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। मैंने आपको एक ही फंडा बताया टेंजेंट ड्रॉ करने का, कि जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट को कर दो फिक्स, और उसके राइट हैंड साइड पे पॉइंट लो ए, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट लो, ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी लो और दोनों को ज्वाइन करते जाओ। तो ये क्या है? सीकेंट है। फिर बी,
ये भी क्या है सीकेंड है, फिर बी यहाँ आ गया, ये भी क्या है सीकेंड है, फिर बी बहुत करीब आ गया, यहाँ आ गया, बिल्कुल बी यहाँ आ गया। तो ये जो डॉटेड करके जो लाइन बनूंगा मैं अब, ये क्या बनेगी, टेंजेंट, क्या बनेगी, टेंजेंट। तो ये जो डॉटेड करके लाइन बनी ये कौन, ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट। और यहां भी जो डॉटेड करके लाइन बनी ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट। ये लगभग लगभग बिल्कुल वर्टिकल होगी ना, अरे बिल्कुल ये स्टेट से हल्का सा बिल्कुल बहुत करीब होगी, तो लगभग लगभग क्या होगी, वर्टिकल टेंजेंट होगी। पर ये इसका स्लोप कुछ 90 से कम होगा, अरे और इसका स्लोप क्या होगा, 90 से थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। अरे इस साइड से जब अप्रोच करेंगे तो ये टेंजेंट बनेगी ना, मतलब ये दोनों टेंजेंट जो आएगी एक का स्लोप पॉजिटिव रहेगा और एक का स्लोप नेगेटिव रहेगा। तो दो अलग अलग टेंजेंट बन रही, देखो एक ये वाली टेंजेंट है और एक ये वाली टेंजेंट है, अरे यार एक ये वाली टेंजेंट है और एक ये वाली टेंजेंट है, तो दो अलग अलग टेंजेंट बन रही है, हेंस क्या आ रहा है, नॉन डिफरेंशियबल। खैर नॉन डिफरेंशियबल छोड़ दो, ये टेंजेंट है, इसका मतलब समझ लो ये एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट है, खैर कोई बात नहीं, ये समझ नहीं आया, आई प्रोमिस्ड टुमारो अगेन आई एक्सप्लेन टू और थ्री टाइम्स एंड सेकेंड लेक्चर थर्ड लेक्चर सो मेनी टाइम आई एक्सप्लेन, आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। फर्स्ट टाइम में कोई सी चीज आपको टफ लग सकती है क्योंकि आपके माइंड में ऐसा है कि जो छू के जाए वो टेंजेंट है, पर ये दिमाग से हटा दो। मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ टेंजेंट का, मुझे ये डायरेक्टली नहीं लेना था, है ना, ये जो मैंने डॉटेड करके बनाया ये टेंजेंट है, लिख लो पहले, क्योंकि टेंजेंट कैसे बनाते हैं, आपको क्या मैंने सिखाया, जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट बना उसको फिक्स कर दो, है ना। जैसे अब देखो, है ना, अब तो तुम्हारे दिमाग के तार हिल जाएंगे, है ना, अब तुम वीडियो पक्का बंद कर दोगे, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे काम की बात चल रही भाई, अच्छी बात है, एकदम से थोड़ी ना आती समझ में, क्या आपको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ी ना सिखा रहा हूँ कि खटाक देके समझ में आ जाएगा, है आपको क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ी ना सिखाया जा रहा है ना, या आपको ऐसा थोड़ी ना सिखाया जा रहा है कि सीधे फार्मूला बता दिया और आपको वैल्यू पुटअप करना और आपका आंसर आ गया, ये थोड़ा सिखा रहे हो, है ना। अब मुझे ए पर टेंजेंट बनानी है, तो कैसे कहा मैंने, ए के राइट हैंड साइड में कोई सा एक पॉइंट बी लिया और बी और ए को ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गई हमारी, है ना, सीकेंट। फिर बी यहां आ गया, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो बी जब यहां बहुत करीब आ जाएगा और दोनों को ज्वाइन कर दो, जब बी टेंस टू ए हो जाएगा और फिर ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बनेगी क्या कहलाएगी, टेंजेंट। तो सर ये क्या टेंजेंट है इस पॉइंट पे, यस दिस इज टेंजेंट, पर सर फील ही नहीं आ रहा है, तो यस फील नहीं आ रहा, इसलिए तो बोला टेंजेंट का फंडा समझो, कि दिमाग से हटा दो कि ऐसी लाइन जो टच करके जाए वो टेंजेंट है, नहीं नहीं नहीं, सीधा टेंजेंट का मतलब है कि ए जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है उसको फिक्स कर दिया, उसके राइट हैंड साइड में एक पॉइंट ले लिया, उसको मूव कराते गए मूव कराते गए मूव कराते गए, जब बी टेंस टू ए हो जाएगा, देखो जब भी यहां पर आ गया तो इन दोनों को ज्वाइन कर देती, ये लाइन क्या बनेगी, टेंजेंट। अच्छा ये टेंजेंट बनेगी, ये किसका ग्राफ है, मॉड एक्स का, तो कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, 45 डिग्री, तो इसका स्लोप कितना आएगा, टेन थीटा कितना आएगा, वन आएगा, है ना, वन आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड से भी तो टेंजेंट बना सकते हैं, यस ये बी पॉइंट यहां पर लिया इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर बी पॉइंट लिया इन दोनों को ज्वाइन किया, जब बी बहुत करीब करीब आ जाएगा तो यहां आ जाएगा, ये लाइन बन जाएगी, तो ये भी क्या कहलाएगी, अनदर टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ये बनी, एक टेंजेंट ये बनी, तो कितनी टेंजेंट बन रही है, टू टेंजेंट्स, यूनिक टेंजेंट नहीं आ रही है, मतलब क्या आ गया, नॉन डिफरेंशियबल। तो यहां पर भी क्या आ रहा, कॉर्नर आ रहा है, इसके पहले जो मैंने कोई एग्जांपल करा था वहां भी क्या आ रहा था, कॉर्नर आ रहा था, इसलिए मार्केट में ऐसा बोलते, कल मैं इस पर चर्चा करूंगा कि जहां कॉर्नर आ जाए वहां पर फंक्शन क्या कहलाता है, नॉन डिफरेंशियबल। जस्ट आज ये सुन के रखो कि टेंजेंट का मतलब क्या है, तो ये लाइन कौन है, टेंजेंट है मॉड एक्स की, और ये भी कौन है, टेंजेंट है मॉड एक्स की, पर आपको लग रहा है कि टेंजेंट है, नहीं लग रहा ना, यस मुझे भी नहीं लग रहा था जब मैंने शुरू बार देखा था, फिर मैंने दिमाग में ये बिठा लिया कि टेंजेंट की डेफिनेशन ये नहीं है कि जो टच करके जाए, टेंजेंट की डेफिनेशन ये नहीं जो टच करके जाए, टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। तो जो सीकेंट है ये लिमिटिंग केस जो बहुत करीब आ जाएगा, तो जब इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो जो भी लाइन बनेगी वो मेरी टेंजेंट कहलाएगी, भले वो दिखे ना ना दिखे टेंजेंट। जैसे जैसे हमने यहां पर बी लिया, यहां पर बी लिया, यहां पर बी लिया, यहां पर बी लिया, जब भी मेरा ए के बहुत करीब आ गया और जब मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो वो क्या कहलाएगी, मेरी टेंजेंट, क्योंकि लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज कॉल्ड टेंजेंट। सीधा सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, हेंस ये जो कॉर्नर आ रहा था यहां पर क्या कहलाएगा, नॉन डिफरेंशियबल, क्योंकि दो टेंजेंट बन रही है। खैर टेंजेंट का मतलब समझ गए, यस अब हम काम की बात है ना, काम कहते हैं वापस। तो अगर स्मूथ कर्व बनेगा तो वहां पर पक्का यूनिक टेंजेंट बनेगी, लिख देना नोट,
और अगर कॉर्नर आया तो वहां पर यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगी। यहां से ये भी हल्का फुल्का आइडिया लगा, बट खैर कल मैं इसको सेपरेटली डिस्कस करूंगा, है ना। मैं आपको कल भी आज केवल डिफरेंशिएबिलिटी पे काम करते हैं, पर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप। तो उसमें टर्म आ गई टेंजेंट, तो मैंने आपको अभी तक पूरा पूरा किस पे काम किया, टेंजेंट। मैं आशा करता हूं आपको सिग्नम एक्स छोड़ के सब कुछ समझ में आ गया होगा। सिग्नम एक्स की टेंजेंट आपको इसलिए समझ में नहीं आएगी अभी, उसका रीजन ये है, उसमें आपकी गलती नहीं है, है ना। आपकी गलती ये है कि आपने ये फील समझ के रखा है कि एसी लाइन जो सर्कल को या कर्व को, किसी भी कर्व को टच करके जाए वो हमारी टेंजेंट कहलाती है, बट ये सब गलत बातें ना, ये बहकी बहकी बातें हैं, क्योंकि मॉड एक्स में भी आपको फील नहीं आया होगा, है ना। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की, मैथमेटिकली कैसे बताएंगे डिफरेंशिएबल, है ना। हाँ सर, मैथमेटिकली देखते ना, मैथमेटिकली अब थोड़े पेशेंस से समझना, पेशेंस से समझना क्या आप पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने कोई सागेन कर्व बनाया, है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है ना। आई होप आपको टेंजेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा प्रयास किया टेंजेंट का मतलब, है ना। सिग्नम एक्स को छोड़ के आपको आ गया होगा ना, आ गया होगा। ये कोई सा पॉइंट ए लिया ना, ए लिया, ये कुछ ए दूरी पे है, है ना। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा ना, ये एक्स इक्वल्स टू कितनी डिस्टेंस है, ए है ना, ए है। हमारा कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ए पॉइंट का नाम क्या होगा, है ना। ए डिस्टेंस पे तो x में कितना डिस्टेंस चला, a, है ना। और x इक्वल्स टू a रख दिया तो y की वैल्यू क्या आई, f ऑफ a, है ना, a कॉमा f ऑफ a, है ना। क्योंकि ये जो ये दूरी कितनी है, ये a डिस्टेंस है, है ना। तो ये a कॉमा क्या हो गया, f ऑफ a हो गया। ये x कॉमा y पॉइंट होता है तो x जगह a रख दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ a आ गई, इसलिए f ऑफ a रख दिया ना। इससे h डिस्टेंस पे कोई सा अनदर पॉइंट है, b है, है ना। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ये दूरी कितनी a है, तो ये दूरी कितनी बची, अरे टोटल दूरी कितनी a है और ये दूरी कितनी h है, तो ये कितनी बची, a माइनस h। तो x कितना है, a माइनस h, और जब x से a माइनस h रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ a माइनस h, है ना, f ऑफ a माइनस h। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, है ना, जो कि सीकेंट है, वो कितना होगा बताओ। ए बी का स्लोप क्या होगा, किसी भी दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा हमारा, है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, वाई टू माइनस वाई वन, है ना, वाई टू माइनस वाई वन, मतलब एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, वाई का डिफरेंस अपॉन एक्स का डिफरेंस, ए माइनस एच माइनस ए, है ना। ये ए बी का क्या आ गया, स्लोप। मैं क्या बताने जा रहा हूं, मैथमेटिकली मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, है ना, समझना समझना। तो किसका स्लोप है ये, किसका स्लोप है ये, ए बी का स्लोप है ना, सीकेंट का स्लोप है ना, सीकेंट का स्लोप है। अगर मैं ये जो स्लोप आया इसमें मैं अगली लाइन में लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस कर दूं, जो h है वो किसको टेंड कर रहा है, मतलब इन दोनों की जो दूरी है वो मैंने क्या कर दी, बहुत स्मॉल कर दी, या फिर ऐसा बोलूं कि जब b टेंड्स टू a हो जाएगा, मतलब h किसको अप्रोच करेगा, जीरो प्लस को, एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर होगा। अरे जब b a के बहुत करीब हो जाएगा, जब b a के बहुत करीब हो जाएगा, मतलब h किसको टेंड करेगा, एक छोटे से पॉजिटिव नंबर को, तो क्या ये जो सीकेंट है कन्वर्ट इन टेंजेंट, यस एग्री विथ, इस बात पे एग्री हो आप। अरे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट टेंजेंट में है, मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब बता दिया, मतलब लिखा दिया मैंने आपको, समझा ही नहीं अभी तक। यूनिक स्लोप, यूनिक स्लोप है ना, यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप, यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप, है ना। तो जब बी टेंस टू ए हो जाएगा तो जो सीकेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इन टेंजेंट, यस, मतलब यहां पर जब मैं h टेंस टू जीरो लगा दूंगा, जीरो प्लस, ये कितना बचेगा बताओ, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन, ये a से तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस h। तो ये जो आएगा ये क्या आएगा, स्लोप ऑफ, क्योंकि किसका स्लोप था, ये सीकेंट का स्लोप था, बट h टेंस टू जीरो कर दे तो सीकेंट किसमें कन्वर्ट हो गई, टेंजेंट में, तो किसका स्लोप हो गया, पहले किसका स्लोप था, स्लोप ऑफ
secant, but here I am writing x tends to 0 plus, मतलब ये जो स्लोप सीकेंट का था वो किसका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये जो आया हमारा लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यस सर। तो अब जो पिक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, इसको हटा दूं मैं, हमें क्या बनाया जा रहा हूं, बी यहां पर आगे देखो ध्यान से, तो ये इसका जो स्लोप है वो यही लिखा है मैथमेटिकली, है ना। तो इसको मार्केट में बोलते हैं, ये क्या लिखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसको डिनोट करते हैं एफ डैश ए माइनस से, मत समझो मत समझो, बस इतना समझ में आ गया। ये किसका स्लोप था पहले, लाइन ए बी का स्लोप था, सीकेंट का स्लोप था, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, किसका स्लोप था, सीकेंट का स्लोप था। फिर मैंने किया क्या, बी ए के बहुत करीब आ गया, मतलब इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो बहुत कम हो गई, एस टेंस टू जीरो हो गया, मतलब जब यहां पर एस टेंस टू जीरो अप्लाई कर दिया तो ये जो स्लोप सीकेंट का था वो स्लोप किसका हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। तो किसकी वैल्यू, स्लोप की वैल्यू, इसको नोट डाउन करके देखो, इसको बस मार्केट में इतना बोलते हैं एल एच डी, सुन बस, है ना, लिख के रख लो, लेफ्ट साइड से स्लोप निकाल, लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव बताना, है ना। अब है ना, अब मिटा दो उसको थोड़ी देर के लिए, है ना, याद रहेगा ना, लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, है ना। तो ये एक टेंजेंट बनी ना, ये एक टेंजेंट बनी, अगर इसी में इतना मैं हटा के वापस, अब मैंने क्या किया, अब बी पॉइंट यहां पर ले लिया, अब बी कहां ले लिया, राइट हैंड साइड में, तो अगेन ए और बी को ज्वाइन कर दिया, है ना, इसको हटा दिया वापस, फिर से ही बनाना पड़ेगा, सॉरी यार मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं, मुझे बोर्ड बड़ा चाहिए, और अभी लॉकडाउन है, बजट बिल्कुल भी नहीं है ना भाई, जीरो बजट पे काम चल रहा है, समझना ना, आपने पहले वाला नोट कर लिया होगा ना, नोट कर लिया होगा, मैं समझा रहा हूँ भाई, कहीं नहीं भाग रहा हूँ बेटा, थोड़ी देर तो आपको देखना पड़ेगा पेशेंस से यार, है ना। अगेन वही वाली बात, कोई तांत्रिक थोड़ा ना मंत्र फूंक दिया समझ में आ जाएगा, ये ए और बी यहाँ पर आ गया, है ना। तो कितनी दूरी पर ए है, कुछ ए दूरी पर, है ना। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए, ये तो समझ में आ गया ना, कैसे आ गई है, एक्स कितना है, ए, एक्स का ए रख दिया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ ए, है ना। कुछ एच दूरी पे एक पॉइंट बी है, तो ये दूरी ए थी और ये दूरी एच है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, ए प्लस एच, जब ये ए प्लस एच एक्स के रख दिया तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो इस बार ये जो लाइन बनेगी ए बी, ये सीकेंट होगी, यस। तो बताओ स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, कितना आएगा बताओ, सीकेंट का स्लोप, y2 माइनस y1 कितना आएगा, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, अरे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, किसी भी लाइन का स्लोप ऐसे ही निकालते थे बचपन में स्ट्रेट लाइन में, अब ये भी मत बोल देना कैसे आ गया, a प्लस एच माइनस x2 माइनस x1 a, है ना। तो ये जो आया मतलब f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये किसका स्लोप आया, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो कि कौन है, सीकेंट, है ना। अब सेम रामायण, जब बी ए के बहुत करीब आ गया राइट हैंड साइड से, बी बहुत यहां आ जाएगा, वो तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना आएगा, अगेन जीरो प्लस, अरे इन दोनों की दूरी क्या हो गई, कम होती जाएगी, तो ये जो स्लोप आएगा किसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्यों हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि जो सीकेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में, तो जो स्लोप सीकेंट का था वो किसका स्लोप हो जाएगा, टेंजेंट का। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, है ना। तो ये स्लोप जो आया वो किस साइड से आया, राइट हैंड साइड से, ये जो स्लोप आया वो किस साइड से आया, लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर ये राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से दोनों के स्लोप अगर सेम आ जाए, मतलब एक ही लाइन हो जाएगी, स्लोप सेम आना मतलब क्या, एक ही लाइन हो जाएगी, और अगर मान लो ये इसकी इसका स्लोप कुछ अलग वैल्यू आ गई और इसकी कुछ अलग वैल्यू आ गई, मतलब दो टेंजेंट बन जाएगी, तो फिर डिफरेंशियबल नहीं होगा। मतलब डिफरेंशियबल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो राइट हैंड साइड से जो स्लोप की वैल्यू आई, जो लेफ्ट हैंड साइड से स्लोप की वैल्यू आई, वो बराबर और फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगी,
मतलब चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, मतलब दोनों का स्लोप, दोनों की जो वैल्यू होगी वो एक ही होगी। अगर वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब स्लोप अलग अलग आ रहे हैं, और स्लोप अलग अलग आ रहे हैं मतलब दो अलग अलग लाइन बन रही है, और दो अलग अलग लाइन बन रही है एक पॉइंट पर, मतलब यूनिक नहीं बन रही है, और यूनिक नहीं बन रही मतलब डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो फॉर डिफरेंशियबल होने के लिए दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर इक्वल, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं मार्केट में RHD, मतलब LHD और RHD बराबर होना चाहिए। अब नोटेशन, जैसे राइट हैंड लिमिट को f(a+) से डिनोट करते थे, बोलो है ना, राइट हैंड लिमिट को किससे डिनोट करते थे, f(a+a) से ना, ठीक है। तो इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, जैसे वहां पर राइट हैंड लिमिट थी, यहां पर क्या बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू a, दोनों सबका मतलब एक ही है, तो इसको डिनोट किससे करेंगे f'a+ से, और इसको किससे डिनोट करेंगे f'a- से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से स्लोप निकालना उस पॉइंट पर, राइट हैंड साइड से स्लोप निकालना इस पॉइंट पर, और अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फंक्शंस क्या होगा डिफरेंशियबल। तो फाइनली हम क्या नोट लिख सकते हैं, यहां से क्या नोट लिख सकते हैं, कोई सा ही फंक्शन डिफरेंशियबल कब होगा, हेंस यहां से क्या नोट निकला, कोई सा ही फंक्शन डिफरेंशियबल कब होगा, जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाए फाइनाइट, बराबर और फाइनाइट हो जाए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को किससे डिनोट करते हैं मार्केट में f'a+ से, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किससे डिनोट करते हैं f'a- से, वो दोनों बराबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए फाइनाइट। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी बताओ, लिमिट h→0 f(a+h) f(a)/h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी बताओ, f(a-h) f(a)/h, याद रखना, और दोनों में लिमिट क्या चल रहा है h→0+, ध्यान रखना दोनों में जो लिमिट है वो h→ क्या है 0+, है ना। तो और ये अगर बराबर और फाइनाइट आ जाए तो फंक्शंस क्या कहलाएगा डिफरेंशिएबल। और ये जो लिखा है इसको बोलते हैं मार्केट में फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर मैथमेटिकली हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है तो एक तरीका तो क्या ग्राफ बना दो, स्मूथ कर्व आ जाए मतलब डिफरेंशिएबल होगा, सिंगल टेंजेंट बने की मैंने बता दिया, कॉर्नर आ जाए तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और मैथमेटिकली तरीका क्या है कि इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, और दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ गई तो हमारा फंक्शंस क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा डिफरेंशिएबल कहलाएगा, और बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है सर, मतलब ये जो समझाया आपने ठीक ही है, मतलब ठीक है, मतलब झेल लिया सर हमने, मतलब ठीक है सर, बहुत सारी नई नई बातें बता दी सर आपने, पता नहीं क्या है ना। अरे वही तो काम किया भाई मैंने, जो मैंने टेंजेंट बनी थी वही तो मैंने काम किया ना, काम किया है ना। तो ये हमारा जो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ या AB इनिशियो मेथड, लिख देना ऊपर फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ या AB इनिशियो मेथड, है ना। ठीक है, थोड़ा सा फील कराते हैं आपको, है ना, बस एक लास्ट एग्जांपल लेके फिर हम कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। आज इतना बता देंगे तो तुम है ना पेट वेट एकदम से किसी को हार्ट अटैक आ गया तो मैं दोषी हो जाऊंगा ना, इसलिए थोड़ा सा बता रहे, बस आज ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फील आ जाए उसके लिए, बस 5-10 मिनट और मुझे दो, 5 मिनट से ज्यादा लूंगा बस, है ना। जैसे मुझे पता है y=f(x)(mod x, बताओ ये 0 पर डिफरेंशियबल है क्या, तो आपका आंसर है नो, क्योंकि 0 पर जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप कितना है 45 डिग्री, मतलब टेन 45 डिग्री मतलब कितना आएगा 1, और ये टोटल 135 हो जाएगा, मतलब इसका स्लोप कितना आएगा, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा -1, है ना। तो दो अलग अलग टेंजेंट बन रही है, दो अलग अलग स्लोप आ रहे हैं, तो नॉन डिफरेंशियबल है मॉड एक्स। इसको मैं बताता हूं मैथमेटिकली, है ना, किस पॉइंट पर चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बच्चों, f'a+, है ना, मतलब क्या फाइंड करेंगे f'0+, तो f'0+ किसके बराबर होगा बताओ, लिमिट h→0+ f(a) का काम कौन कर रहा है ना, किस पॉइंट पर चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू ए है, तो a का काम कौन कर रहा है 0, तो क्या आएगा f(, बस ये फार्मूले में वैल्यू रख दी, तो यहां पर जो y=f(x) था तो उसकी जगह कौन आ गया मॉड एक्स आ गया, बोलो ये सही है। किस पॉइंट पर चेक किया था यहां पर हमने एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, तो यहां पर एट एक्स इक्वल्स टू ए का काम कौन कर रहा है 0, क्योंकि 0 पर चाहिए, तो बस वैल्यू पुट कर दी, तो लिमिट h→0+
एफ ऑफ ए की जगह क्या रख देंगे, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, बोलो सही है, कितना लिखा बताओ बच्चों अगली स्टेप में, है ना। ये कौन है हमारा, आर एच डी, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव, कल और एक्सप्लेन करूंगा, बस आज सुन के रख लो। तो कितना आएगा एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो कितना होगा, एफ एक्स कितना है, मॉड एक्स है, तो एफ ऑफ जीरो कितना होगा, मॉड जीरो कितना होगा, जीरो अपॉन कितना आ गया एच। एफ ऑफ एच कितना होगा, एफ एक्स अगर मॉड एक्स है तो एफ ऑफ एच कितना होगा, मॉड एच अपॉन एच, है ना। लिमिट कितना चल रहा है, एच टेंस टू जीरो प्लस एच, हमेशा कैसा होगा, छोटा सा पॉजिटिव नंबर है और छोटा सा पॉजिटिव नंबर मॉड प्लस से ओपन होगा, मतलब एच अपॉन एच, मतलब कितना आ जाएगा, वन। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया कि राइट हैंड जो साइड से जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, वन आएगा, यहाँ से भी तो वही तो पिक्चर निकल गई। अब क्या निकालते हैं, एफ डैश जीरो माइनस मतलब एल एच डी, उसकी वैल्यू कितनी बताओ बेटा, एफ ऑफ लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, है ना। तो ए कौन है आपका, ए आपका जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच मतलब कितना, माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, ए की जगह जीरो अपॉन माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच कितना होगा, एफ ऑफ एक्स कितना है, मॉड एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एच कितना होगा, मॉड माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड जीरो कितना होगा, जीरो अपॉन कितना आ गया, माइनस एच, मॉड एच कितना होगा, एच ही होगा। लिमिट कितना चल रहा है, एच टेंस टू जीरो, अब इधर लिख रहा हूँ जीरो प्लस, ये काम की बात है, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, मॉड एच कितना होगा, एच होगा, हटा दो इसको, मॉड माइनस से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मॉड है, और एच जीरो प्लस है तो प्लस से ओपन होगा अगेन, तो एच अपॉन माइनस एच कितना ही कैंसिल आ गया, माइनस वन, देखो ये माइनस वन आया था। हेंस यहाँ पर जो मॉड एक्स है मैथमेटिकली भी देख लिया कि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, राइट हैंड साइड से स्लोप कितना आ रहा है, जीरो पर वन, लेफ्ट हैंड साइड से स्लोप कितना आ रहा है, माइनस वन, आपको मैंने मैथमेटिकली बता दिया। हेंस मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, बस इतना देखा। तो ये जो आया इसको मार्केट में बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको मार्केट में बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। ठीक है, जो डेरिवेटिव मैंने बोला कल इसको मैं फील करा दूंगा, आज बस जस्ट हमने ये देखा कि कोई सा ही फंक्शन मैथमेटिकली डिफरेंशियबल कब होगा, जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, बस सुन के रखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल और फाइनाइट हो। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल भी दिया, उससे आपको थोड़ा बहुत फील आ गया होगा, इसको इतना नोट डाउन करके रखो। और ये जो बोलते हैं इसे राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, इसको मार्केट में क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ या ए बी इनिशियो मेथड। ठीक है सर, तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आज डिफरेंशिएबिलिटी का शुद्ध मतलब पूरे लेक्चर से यही निकल गया था है कि सिंगल एक पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट बने, मतलब दोनों के स्लोप सेम आ जाए तो डिफरेंशिएबल होगा, बट अगर ऐसे अलग अलग आ जाए तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो सर इस बार हर बार इतना निकालना पड़ेगा, यस कुछ कुछ जगह निकालना पड़ेगा, कुछ कुछ हम तरीके भी सीखेंगे कि बिना निकाले कर देंगे, ग्राफिकली भी सीखेंगे, ग्राफ से भी निकालना सीखेंगे, तो कल हम थोड़ा और आगे देखेंगे ना। तो कल हमारा जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट है उसको हम और आगे अच्छे समझेंगे, और कल तक आप अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आज मैंने जितना समझाया उसको अच्छे से फील करके नोट करके एक बार रीड करके रखना, ताकि कल की क्लास से मज़ा आने लग जाएगा। कल इतनी माता बच्चन करेंगे, अब कल थोड़ा हल्का सा हमारा धीरे धीरे काम आगे बढ़ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको अगेन फील आ गया होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी मतलब सिंगल एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट विद फाइनाइट स्लोप। यहां पर फाइनाइट स्लोप आया था, यस माइनस वन और वन, बट अलग अलग आया था। मैंने आपको क्या बोला था, यूनिक टेंजेंट मतलब एक ही स्लोप आना चाहिए, अगर ये एक ही आता तो फिर आंसर क्या आता, डिफरेंशिएबल आ जाता। तो क्या इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो आपका आंसर है यस विच इज वन। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यस, पर टोटल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि जीरो पर, तो आंसर इज नो। इसलिए आप मॉड एक्स को कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, हम आगे पढ़ेंगे, है ना। आपने इलेवन को देखा होगा, आपने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखा होगा, आपने कभी मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं देखा होगा, है ना। खैर हम कल बातें करेंगे इस पर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ना, समझ में आ गया हूँ, ठीक है सर। तो आप इतना नोट करके रखिएगा, अगर अभी भी आप पहला लेक्चर देख रहे हो आपको समझ में आ गया है, फिर भी अगर आपका लिमिट कंटिन्यूट छूट गया है तो उसको पहले अच्छे से देखो, तब तक अच्छे से स्पीड से देखो, दो दो तीन तीन लेक्चर देखो, जैसे आपको देखना हो पैरेलली क्वेश्चन पे लगाओ, है ना। बट आपको वो पहले देखना है, तभी आपको ये डिफरेंशिएबिलिटी समझना है, तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ले देखिए यूज क्या हो रहा है, लिमिट्स, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक और बहुत अच्छे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप पेशेंस रखिएगा। कुछ अगर पेट दुख रहा होगा, कुछ बातें नहीं समझ में आई, तो कल मैं पूरी क्लियर कर दूंगा, है ना, सिग्नम एक्स को छोड़ के सिग्नम एक्स में समझा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।